प्रथम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में। हमारे साथ मौलाना जाहिद अहमद कासिम जी हैं और आज शबे बारात है और रात को इबादत कहते हैं उसको लेकर हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मौलाना साहब, आज शबे कदर की रात है, कैसे क्या होता है जरा जानकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रात बड़ी फजीलत वाली रात है, बड़ी बरकत वाली रात है और इस रात को बरकत वाली रात कहा जाता है। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों बरकतों की झमा जब बरसात फरमाता है, अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है। जो अल्लाह के गुनहगार बंदे अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने अपने गुनाहों को याद करके गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला इस रात के तुफैल अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है, तौबा को कबूल फरमा देता है। इटावा के जो नौजवान हैं और जो नए नए युवा हैं, वो भारत अक्सर जो देखने को मिलता है वो गाड़ियों पर बैठते हैं और घूमते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने माशरे के, अपनी मिल्लत के सारे नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर मोटरसाइकिल या और दिगर सवारियों के ज़रिए से भटकने और घूमने फिरने से आपके लिए बेहतर ये है कि इस रात में जो भी हिस्सा आपको मैसर हो, आप इस रात में अल्लाह की इबादत करें, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें अल्लाह से। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके गुनाहों को बख्श देगा। और ये रात घूमने फिरने के लिए नहीं है, बल्कि इस रात को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है और अपनी रहमतों की बरसात फरमाता है, अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस रात की रहमतें बरकतें लूटें और जिस कदर हो सके हम रहमतों से हिस्सा हासिल करें। तो ये थे हमारे साथ मौलाना जाहिद रज़ा कादरी, जिन्होंने बताया कि शबे कदर की रात है, जो युवा है, नए युवा, वो बाहर ना घूमे, इबादत करें। कैमरामैन सुहेल खान के साथ इमरान मिर्ज़ा, भारत टीवी, इटावा। आज शबे कदर का दिन है, क्या है इसके बारे में। आज सबसे पहले शबे बारात की आलम इस्लाम को तहे दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ने के फजल व करम से उस रब करीम ने, अपने हबीब पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें जो आज की रात नसीब फरमाई, वो रात वो सुहानी रात है कि इस रात में हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की खूब खूब इबादत करें, ताकि रब्बे कदीर हमारी गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, जो लोग नए युवा हैं, रात को जगते तो हैं मगर गाड़ियों से उल्टे सीधे घूमते हैं, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे। हम अपने उन नौजवान बच्चों से ये अपील करेंगे, ये उनसे गुजारिश करेंगे कि वो लोग रात में, जो रात हमें अल्लाह ने इबादत के लिए दी, आज की रात वो सुहानी रात है, शबे बारात है, कि हम इस रात को बेवजह हम इस तरह इधर उधर ना गाड़ियों से घूमें, बल्कि मस्जिदों में जाएं और अल्लाह की इबादत करें और एक दूसरे के हक में दुआएं करें कि परवरदिगार हम सबको नेक और सालेह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।